कागज की ये महक, ये नशा रूठने को है। ये आखिरी सदी है किताबों से इश्क की। शायर ने बड़े इखलास के साथ किताबों से अपनी मोहब्बत का इजहार किया है, लेकिन ये किताबों से मोहब्बत की आखिरी सदी बिल्कुल नहीं है। शायद कागज का पर्दा दरमियान से हट जाए, लेकिन डिजिटलाइजेशन के जरिए किताबें नहीं बल्कि पूरी की पूरी लाइब्रेरी आपकी जेब में। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में 24,000 से ज्यादा तहकीकी मकालों की स्कैनिंग और डिजिटलाइजेशन की तकमील इलम और तहकीक की दुनिया में एक संग मील की हैसियत रखता है। करोड़ों रुपए की लागत से होने वाला ये तहकीकी काम जल्द ही पूरी दुनिया के मुहक्किकीन को अपनी दहलीज पर मुयस्सर होगा। तो ये इसलिए यकीनन इसमें मज़ीद रिसर्च के एवेन्यूज़ खुलेंगे, और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि बाहर भी। रीच ज़्यादा है इसकी, ये रिसोर्सेज आपके हैं, एक जगह कंफाइंड नहीं है, सब लोगों को वहाँ नहीं आना पड़ता। प्यासा कुएं के पास नहीं आता, कुआं प्यासे के पास चला जाता है। 2019 में हमने स्टार्ट किया, और अब जो ना पिछले महीने हमने 24,000 कंप्लीट कर दिया। डिजिटलाइजेशन का ये अमल कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में एक आम फोटोस्टेट मशीन पर शुरू किया गया, जिस पर आने वाली लागत बराए नाम है। बाद में बिरादर मुल्क जम्हूरिया तुर्किया ने इस काम को बढ़ाने के लिए जदीद स्कैनर्स और दीगर सहूलियात का अतिया दिया। टर्किश गवर्नमेंट में उनका प्रोजेक्ट है, एक ऑर्गेनाइजेशन है टीका के नाम से, टर्किश कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन एजेंसी, उन्होंने हमें एक स्पेशल दिया है। प्रोफेशनल स्कैनर है, बुक स्कैनर है, जो स्पेशली बुक स्कैनिंग के लिए है। इस तरह का काम पाकिस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी या दूसरे तालीमी इदारे में बगैर किसी इजाफी खर्चे के किया जा सकता है। मशीन अगर आपकी अपनी है तो आप इस पर कुछ भी खर्चा नहीं आता। यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी का अमला दीगर तालीमी इदारों को ये काम सिखाने के लिए पुरअज़म भी है और तैयार भी। बिल्कुल, हम जो ना हर बंदे को जो ना हम तो इनवाइट कर रहे हैं, खासकर हम अपने फील्ड में जितने भी लोग हैं लाइब्रेरियन हैं उसको तो हम इनवाइट कर रहे हैं, और अभी हमारे पास कई लाइब्रेरियन से लोग आए हैं। डिजिटलाइजेशन की इस अमल से कागज़ पर छपी हुई किताबों की अहमियत तो शायद कम हो जाए, लेकिन मुतालिया में सहूलत कई गुना बढ़ जाएगी। जो प्रिंट किताब होती है या कोई रिसोर्स है, उसको एक वक्त में एक आदमी इस्तेमाल कर सकता है। ये अगर आपने डिजिटाइज करके रिसोर्स रखा इंटरनेट पे, तो एक वक्त में कई लोग सेम रिसोर्स से इस्तेफादा कर सकते हैं। जो रेयर बुक्स हैं, मैनुस्क्रिप्ट्स हैं, ये वो ख़जाना है जो दुनिया में कहीं कहीं लाइब्रेरीज में मौजूद है। तो इसको भी दोनों दुनिया तक पहुँचाने के लिए कि बजाय यहाँ पड़ा रहे, इलम तो वो होता है जिसे इस्तेफादा किया जाए। अब पूरी की पूरी लाइब्रेरी आपको अपने कंप्यूटर पर, अपने घर में या मोबाइल पर अपनी जेब में दस्तियाब होगी।